नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना से चलकर के अभी हम कारगिल चौक पे आ गए हैं। कारगिल चौक में देखिए कि आम आदमी पार्टी का अभी समझे कि पंजाब में जिस तरह से जीत जो हासिल किया गया, इसी बीच प्रदेश प्रवक्ता बबलू जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दा पे है जो आज सर आप लोग यहाँ पे जो बहुत सारा जो वहाँ पे पंजाब में जो है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 35 में 16 सीट तो हम लोग अभी जीत चुके हैं और लगता है अभी 3-4 सीटों पे बढ़त है, तो वहाँ पर मेयर भी हमारा ही होगा। चूँकि हमारे प्रत्याशी ने चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर को हरा दिया, पूर्व मेयर को हरा दिया, भाजपा के चंडीगढ़ अध्यक्ष को हरा दिया है, युवा के अध्यक्ष को हरा दिया है। मतलब कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ में भाजपा का सुपड़ा आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है, सारे पिलर को ध्वस्त कर दिया है। और इसकी हम खुशी इजहार करने के लिए अपने साथियों के साथ पटना के कारगिल चौक पर ऑटो वाले साथियों के बीच हम लोगों ने खुशी जाहिर किया है लड्डू बांटकर, जिस यही हमारा कार्यक्रम था। आज और भी यहाँ पे हैं सर, से धीरेन्द्र चौधरी सर भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि सर आम आदमी पार्टी का जो इस तरह से जीत हासिल हुआ क्या सा आपको लग रहा है सर? हाँ सर, ये बहुत खुशी की बात है और ये परिलक्षित करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की किस तरह से मांग हो रही है, उसके ऊपर लोगों की विश्वसनीयता बन रही है, बढ़ रही है। तभी तो गुजरात के निकाय चुनाव में भी जो भाजपा का गढ़ है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है, वहाँ भी निकाय चुनाव में हमारी विजय हुई, वहाँ भी हमने सीटें जीती। हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, हम उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम गोवा में हैं और बहुत जल्दी 5 राज्यों के चुनाव के बाद और MCD चुनाव के बाद हम पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे बिहार के ऊपर और बिहार की समस्याओं पर, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए हमारी पार्टी क्या कर सकती है, हम वो करेंगे। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम बिहार के गांव-गांव में, पंचायत पंचायत में पहुंचाएंगे। हम जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली में है, उस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार के सभी प्रखंडों में पहुँचाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद। और भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से जीत हासिल हो रही है पंजाब में, और भी यहाँ पे उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ सर, आम आदमी पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है, बिहार प्रदेश में भी आने वाले समय में।